तो ऐसी मौत मरने के लिए नहीं बना है मेरे दोस्त मालेना फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में 10 जून 1940 को सिसिली के छोटे से शहर कास्टेल कूटो में रेनेटो नामक एक किशोर लड़की को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति सशस्त्र बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए बासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नजर रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रीना जो मलिना के प्रति आशक्त तो हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामों कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता पिता उसे उसके शयन कक्षा में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाव तोड़ने की कोशिश करते हैं मालिना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती है जिसे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर बढ़ा देती है जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक दोष से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालेना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके, उसके मालीना का रक्षक बने का फैसला किया उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध सिसिली तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्रों द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वैश्यावित्री में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की वजह एक वेश्या के रूप में देख खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाजो का सामना दो जर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श से हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे झारफूक के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेशलय में ले गए वह वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली वेशा मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साहपूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलाओं ने होटल पर दावा बोल दिया और मलेना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए उसकी पिटाई की और उसके बाल काट दिए आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुतापूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्धबंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसिना शहर चली गई एक साल बाद नीना और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो वज़ा जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे वागे की कामना करता है और वो उसे रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दें कि ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं फिल्म छोटे से शहर कास्टेलकूटो में रेनेटो तो नामक एक किशोर लड़की को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति शस्त्र बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए बासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नजर रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेना मलेना के प्रति आशक्त तो हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामुक कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता-पिता उसे उसके शयन कक्ष में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाव तोड़ने की कोशिश करते हैं मालिनीना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती है जिसे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर बढ़ा देती है जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक सामयिक दोष से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालेना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके बड़ी होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ बलात्कार किया रेनाचो ने मालिना का रक्षक बने का फैसला किया उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध सिसिली तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्रों द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वैश्वात्री में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की वजह एक वेश्या के रूप में देख कर खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाचो का सामना दो जर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श से हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे झारफूक के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेशलय में ले गए वह वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली वेशा मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साहपूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलाओं ने होटल पर धावा बोल दिया और मलेना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई किया और उसके बाल काट दिए आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुतापूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्ध बंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसिना शहर चली गई एक साल बाद नीनो और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो वजा जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे वाग्य की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज़ जिस जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दे कि ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं मालेना फिल्म देखने से पहले यहाँ जानी फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में 10 जून 1940 को सिसिली के छोटे से शहर कास्टेलकूटो में रेनेटो तो नामक एक किशोर लड़की को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति सशस्त्र बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए बासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नज़र रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेनाटो मालेना के प्रति आशक्त तो हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामों कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता पिता उसे उसके शयन कक्ष में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाव तोड़ने की कोशिश करते हैं। मालिना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती है जिसे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर बढ़ा देती है जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक, एक से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालैना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके बड़ी होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ बलात्कार किया रेनाटो ने मालिना का रक्षक बने का फैसला किया उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध सिसिली तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्रों द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वेश्यावृत्ति में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की बजाय एक वेश्या के रूप में देखकर खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाटो का सामना दो जर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे झाड़ के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेश्यालय में ले गए वह वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली वेश्या मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साहपूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलायों ने होटल पर धावा बोल दिया और मलेना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई की और उसके बाल काट दिए आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुतापूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्ध बंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसीना शहर चली गई एक साल बाद नीनो और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो बाज़ार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे वाग्य की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज जिस जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दें कि ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं मालेना फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में 10 जून 1940 को सिसिली के छोटे से शहर कुटो में रेनेटो तो नामक एक किशोर लड़के को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति शस्त्र बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए वासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नजर रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेना चो के प्रति आशक्त तो हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामुक कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता-पिता उसे उसके शयन कक्ष में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाव तोड़ने की कोशिश करते हैं मालिनीना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती है जिसे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर देती है। जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक सामयिक दोष से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालेना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके बड़े होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ बलात्कार किया रेनाचो ने मालिना का रक्षक बने का फैसला किया उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध सिसिली तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्रों द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वेश्यावित्री में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की वजह एक वेश्या के रूप में देखकर खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाजो का सामना दो चर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श से हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे झारफुक के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेशालय में ले गए वह वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली वेश मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साहपूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलायों ने होटल पर धावा बोल दिया और मेलिना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई की और उसके बाल काट दिए आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुतापूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्धबंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसीना शहर चली गई एक साल बाद नीना और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो वज़ार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे भाग्य की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज जिस जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दें कि ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं मालेना फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में 10 जून 1940 को सिसिली के छोटे से शहर कास्टेलकूटो में रेनेटो तो नामक एक किशोर लड़की को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति सशस्त्र बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए बासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नजर रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेना जो मालेना के प्रति आशक्त तो हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामुक कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता-पिता उसे उसके शयन कक्ष में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाव तोड़ने की कोशिश करते हैं मालिनीना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती है जिसे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर बढ़ा देती है जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक सामयिक दोष से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालैना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके बड़ी होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ किया। रेनाटो मालिना का रक्षक बने का फैसला किया उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध सिसिली तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्र द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वेशवित्री में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की वजह एक वेश्या के रूप में देखकर खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाचो का सामना दो चर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श से हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे झारफुक के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेशलय में ले गए वह वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली वेश मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साहपूर्ण पूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलाओं ने होटल पर दावा बोल दिया और मलेना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई की और उसके बाल काट दिए आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुतापूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्धबंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसीना शहर चली गई एक साल बाद नीना और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो वजा जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे वागे की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दें कि ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं मालेना फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में 10 जून 1940 को सिसिली के छोटे से शहर कास्टेल कूटो में रेनेटो तो नामक एक किशोर लड़की को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति शस्त्र बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए बासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नजर रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेना जो मना के प्रति आशक्त हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामों कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसकी कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता-पिता उसे उसके शयन कक्षा में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाम तोड़ने की कोशिश करते हैं मालिनीना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती हैं जिससे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर बढ़ा देती है जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक सामयिक दोष से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालैना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके बड़ी होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ बलात्कार किया रेनाचो ने मालिना का रक्षक बने का फैसला किया उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के 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 खिलाफ प्रतिशोध छोटे छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध सिसिली तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्रों द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो विष में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की बजाय एक वेश्या के रूप में देखकर खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाटो का सामना दो जर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेशल में ले गए वहा वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साहपूर्ण पूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलाओं ने होटल पर धावा बोल दिया और मलेना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई की और उसके बाल काट दिए आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुता पूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्ध बंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसिना शहर चली गई एक साल बाद नीना और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो बाजार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे वाग्य की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज जिस जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दें कि ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं मालेना फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में 10 जून 1940 को सिसिली के छोटे से शहर कास्टिलकूटो में रेनेटो तो नामक एक किशोर लड़की को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति सशस्त्र बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए बासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नजर रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेनाचो मालेना के प्रति आशक्त तो हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामुक कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता-पिता उसे उसके शयन कक्ष में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाव तोड़ने की कोशिश करते हैं मालिनीना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती है जिसे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर बढ़ा देती है जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक सामयिक दोष से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालेना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके बड़ी होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ बलात्कार किया रेनाचो ने मालिना का रक्षक बने का फैसला किया उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध सिसिली तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्र द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वैश्वा में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की वजह एक वेश्या के रूप में देख कर खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाचो का सामना दो जर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श से हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे झारफूक के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेशलय में ले गए वह वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली वेशा मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साहपूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलाओं ने होटल पर धावा बोल दिया और मलेना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई किया और उसके बाल काट दिए आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुतापूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्ध बंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसिना शहर चली गई एक साल बाद नीनो और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो बाजार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे वागे की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज़ जिस जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दे कि ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं मालेना फिल्म देखने से पहले यहाँ जानी फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में 10 जून 1940 को सिसिली के छोटे से शहर कास्टेलकूटो में रेनेटो तो नामक एक किशोर लड़की को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति सशस्त्र बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए बासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नज़र रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेनाटो मलेना के प्रति आशक्त तो हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामुक कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता-पिता उसे उसके शयन कक्ष में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाव तोड़ने की कोशिश करते हैं मालिनीना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती है जिसे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर देती है। जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक सामयिक दोष से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालेना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके बड़े होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ किया। ने मालिना का रक्षक बने का फैसला किया। उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्रों द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वेशवित्री में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की वजह एक वेश्या के रूप में देखकर खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाचो का सामना दो चर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श से हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे झाड़ के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेशालय में ले गए वह वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली वेश मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साहपूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलायों ने होटल पर धावा बोल दिया और मेलिना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई की और उसके बाल काट दिए आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुतापूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्धबंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसीना शहर चली गई एक साल बाद नीना और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए तो पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे वाग्य की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज जिस जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दें कि ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं मालेना फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में 10 जून 1940 को सिसिली के छोटे से शहर कास्टेलकूटो में रेनेटो तो नामक एक किशोर लड़की को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है। उनके पति में में अफ्रीका अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए बासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नजर रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेना चो के प्रति आशक्त तो हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामों कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता-पिता उसे उसके शयन कक्ष में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाम तोड़ने की कोशिश करते हैं मालिनीना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती हैं जिससे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर बढ़ा देती है जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक सामयिक से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालेना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके बड़ी होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ बलात्कार किया रेनाटो ने मालिना का रक्षक बने का फैसला किया उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध सिसिली तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्रों द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वेश्यावृत्ति में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की बजाय एक वेश्या के रूप में देखकर खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाटो का सामना दो जर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे उसे के के लिए एक पुजारी पास ले गई, लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेशल में ले गए वहां वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली वेशा मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साहपूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलायों ने होटल पर धावा बोल दिया और मलेना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई की और उसके बाल काट दिए आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुता शत्रुतापूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्ध बंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसीना शहर चली गई एक साल बाद नीना और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो वज़ार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे भाग्य की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज जिस जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दें कि ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं मालेना फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में 10 जून 1940 को सिसिली के छोटे से शहर कास्टेलकूटो में रेनेटो तो नामक एक किशोर लड़की को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति सशस्त्र बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए बासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नज़र रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेना जो मालेना के प्रति आशक्त तो हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामुक कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता-पिता उसे उसके शयन कक्ष में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाव तोड़ने की कोशिश करते हैं मालिनीना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती है जिसे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर बढ़ा देती है जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक सामयिक दोष से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके बड़े होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ बलात्कार किया रेनाटो ने मालिना का रक्षक बने का फैसला किया उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे-छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध सिसिली तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्र द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वेशवित्री में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की वजह एक वेश्या के रूप में देखकर खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाचो का सामना दो चर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श से हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे झारफुक के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेशलय में ले गए वह वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली वेश्या मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साह पूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलाओं ने होटल पर दावा बोल दिया और मलेना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई की और उसके बाल काट दिए आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुतापूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्धबंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसीना शहर चली गई एक साल बाद नीना और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो बाजार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे भाग्य की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज जिस जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दें कि ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं मालेना फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में 10 जून 1940 को सिसिली के छोटे से शहर कास्टेलकूटो में रेनेटो तो नामक एक किशोर लड़की को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति सशस्त्र बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए बासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नज़र रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेना चो के प्रति आशक्त तो हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामुक कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता-पिता उसे उसके शयन कक्ष में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाव तोड़ने की कोशिश करते हैं मालिनीना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती है जिसे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर बढ़ा देती है जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक सामयिक दोष से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालेना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके उसके होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ किया। रेनाचो ने मालिना का रक्षक बने का फैसला किया उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध सिसिली तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्रों द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वैश्यावित्री में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की वजह एक वेश्या के रूप में देख खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाजो का सामना दो जर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श से हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे झारफूक के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेशलय में ले गए वह वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली वेशा मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साहपूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलाओं ने होटल पर दावा बोल दिया और मलेना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए उसकी पिटाई की और उसके बाल काट दिए आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुतापूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्धबंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसीना शहर चली गई एक साल बाद नीना और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो बाजार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे वाग्य की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज जिस जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दे कि ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं मालेना फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में 10 जून 1940 को सिसिली के छोटे से शहर कास्टिलकूटो में रेनेटो तो नामक एक किशोर लड़की को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए बासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नज़र रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेनाचो चो मालेना के प्रति आशक्त तो हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामुक कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता-पिता उसे उसके शयन कक्ष में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाव तोड़ने की कोशिश करते हैं मालिनीना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती है जिसे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर बढ़ा देती है जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक सामयिक दोष से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालेना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके बड़ी होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ किया। ने मालिना का रक्षक बने का फैसला किया। उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध सिसिली तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्रों द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वेशवित्री में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की वजह एक वेश्या के रूप में देखकर खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाचो का सामना दो चर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श से हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे झारफुक के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेशलय में ले गए वह वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साहपूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलायों ने होटल पर धावा बोल दिया और मेलिना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई की और उसके बाल काट दिए आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुतापूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्धबंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसिना शहर चली गई एक साल बाद नीनो और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो बजार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे वाग्य की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज़ जिस जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दे कि ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं मालेना फिल्म देखने से पहले यहाँ जानी फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में 10 जून 1940 को सिसिली के छोटे से शहर कास्टेलकूटो में रेनेटो तो नामक एक किशोर लड़की को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति सशस्त्र बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए वासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नजर रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेनाचो चो मालेना के प्रति आशक्त तो हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामुक कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता-पिता उसे उसके शयन कक्ष में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाव तोड़ने की कोशिश करते हैं मालिनीना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती है जिसे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर देती है। जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक सामयिक दोष से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालेना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके बड़े होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ किया। रेनाटो ने मालिना का रक्षक बने का फैसला किया उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध सिसिली तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्रों द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वेशवित्री में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की वजह एक वेश्या के रूप में देखकर खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाचो का सामना दो चर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श से हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे झाड़ के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेशालय में ले गए वह वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली वेश मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साहपूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलायों ने होटल पर धावा बोल दिया और मेलिना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई की और उसके बाल काट दिए आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुतापूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्धबंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसिना शहर चली गई एक साल बाद नीना और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो वज़ा जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे वागे की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दें कि ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं मालेना फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में 10 जून 1940 को सिसिली के छोटे से शहर कास्टेल कूटो में रेनेटो तो नामक एक किशोर लड़के को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति सशस्त्र बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए वासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नजर रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेना जो मना के प्रति आशक्त हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामों कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता-पिता उसे उसके शयन कक्ष में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाव तोड़ने की कोशिश करते हैं मालिनीना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती हैं जिससे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर बढ़ा देती है जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक, एक से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालेना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके बड़ी होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ बलात्कार किया रेनाटो ने मालिना का रक्षक बने का फैसला किया उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध सिसिली तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्रों द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वेशवित्री में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की वजह एक वेश्या के रूप में देख खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाजो का सामना दो जर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे झारफुक के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेश्यालय में ले गए वहां वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली वेश्या मलेना है जर्मन चले गए और अमेरिकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साह के साथ उनका स्वागत किया गया महिलाओं ने होटल पर दावा बोल दिया और मलेना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई की और उसके बाल काट दिए आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुता पूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्ध बंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसिना शहर चली गई एक साल बाद नीना और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो बजार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे वाग्य की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दें कि ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं मालेना फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में 10 जून 1940 को सिसिली के छोटे से शहर कास्टेल में रेनेटो नामक एक किशोर लड़की को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति सशस्त्र बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए बासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नजर रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेनाटो मालेना के प्रति आशक्त तो हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामों कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता पिता उसे उसके शयन कक्षा में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाव तोड़ने की कोशिश करते हैं मालिना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती है जिसे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर बढ़ा देती है जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक साम में एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालेना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके बड़े होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ बलात्कार किया रेनाटो ने मालेना का रक्षक बने का फैसला किया उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे-छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध सिसिली तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्र द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वैश्यवित्री में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की वजह एक वेश्या के रूप में देख कर खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाजो का सामना दो जर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श से हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे झाड़ के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेशलय में ले गए वह वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली वेशा मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साहपूर्ण पूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलाओं ने होटल पर दावा बोल दिया और मलेना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई की और उसके बाल काट दिए आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुतापूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्धबंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसीना शहर चली गई एक साल बाद नीना और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो बाजार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे भाग्य की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज जिस जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दें कि ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं मालेना फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में 10 जून 1940 को सिसिली के छोटे से शहर कूटो में रेनेटो तो नामक एक किशोर लड़की को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति सशस्त्र बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए बासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नज़र रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेनाटो चो के प्रति आशक्त तो हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामुक कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता-पिता उसे उसके शयन कक्ष में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाव तोड़ने की कोशिश करते हैं मालिनीना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती है जिसे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर बढ़ा देती है जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक सामयिक दोष से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालेना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके बड़े होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ बलात्कार किया ने मालिना का का रक्षक बने फैसला किया। उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्र द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वेशवित्री में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की वजह एक वेश्या के रूप में देखकर खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाचो का सामना दो चर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श से हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे झारफुक के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेशलय में ले गए वह वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली वेश मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साह पूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलाओं ने होटल पर धावा बोल दिया और मलेना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई की और उसके बाल काट दिए आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुतापूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्धबंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसीना शहर चली गई एक साल बाद नीना और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो बाजार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे वाग्य की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज जिस जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दे कि ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं मालेना फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में 10 जून 1940 को सिसिली के छोटे से शहर कास्टिलकूटो में रेनेटो तो नामक एक किशोर लड़की को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए बासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नजर रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेनाचो चो मालेना के प्रति आशक्त तो हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामुक कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता-पिता उसे उसके शयन कक्ष में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाव तोड़ने की कोशिश करते हैं मालिनीना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती है जिसे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर बढ़ा देती है जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक सामयिक दोष से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालेना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके बड़ी होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ किया। ने मालिना का रक्षक बने का फैसला किया। उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध सिसिली तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्रों द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वेशवित्री में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की वजह एक वेश्या के रूप में देखकर खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाचो का सामना दो चर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श से हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे झारफूक के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेशलय में ले गए वह वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साहपूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलायों ने होटल पर धावा बोल दिया और मेलिना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई की और उसके बाल काट दिए आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुतापूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्धबंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसिना शहर चली गई एक साल बाद नीनो और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो बाजार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे वागे की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दें कि ये फिल्म ओ टी प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं फिल्म छोटे से शहर कास्टेलकूटो में रेनेटो तो नामक एक किशोर लड़की को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति सशस्त्र बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए बासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नजर रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेना चो मालेना के प्रति आशक्त तो हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामुक कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता-पिता उसे उसके शयन कक्ष में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाव तोड़ने की कोशिश करते हैं मालिनीना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती है जिसे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर देती है। जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक सामयिक दोष से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालेना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके उसके होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ किया। रेनाटो ने मालिना का रक्षक बने का फैसला किया उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध सिसिली तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्रों द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वैश्वात्री में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की वजह एक वेश्या के रूप में देख खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाचो का सामना दो जर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श से हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे झारफूक के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेशालय में ले गए वह वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली वेशा मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साह जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलाओं ने होटल पर धावा बोल दिया और मलेना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई की और उसके बाल काट दिया आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुतापूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्ध बंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसिना शहर चली गई एक साल बाद नीना और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो बाजार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे वाग्य की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज जिस जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दें कि ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। मालेना फिल्म देखने से पहले यहाँ जानी फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में 10 जून 1940 को सिसिली के छोटे से शहर कूटो में रेनेटो तो नामक एक किशोर लड़की को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति सशस्त्र बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए बासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नज़र रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेना चो के प्रति आशक्त तो हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामुक कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता-पिता उसे उसके शयन कक्ष में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाव तोड़ने की कोशिश करते हैं मालिनीना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती है जिसे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर देती है। जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक सामयिक दोष से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालीना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके उसके होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ किया। रेनाचो ने मालिना का रक्षक बने का फैसला किया उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध सिसिली तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्रों द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वैश्यवित्री में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की वजह एक वेश्या के रूप में देख कर खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाजो का सामना दो जर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श से हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे झारफूक के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेशालय में ले गए वह वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली वेशा मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साहपूर्ण पूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलाओं ने होटल पर धावा बोल दिया और मलेना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई की और उसके बाल काट दिए आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुतापूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्ध बंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसीना शहर चली गई एक साल बाद नीना और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो बजार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे भाग्य की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज जिस जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दें कि ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं मालेना फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में 10 जून 1940 को सिसिली के छोटे से शहर कास्टेलकूटो में रेनेटो तो नामक एक किशोर लड़की को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति सशस्त्र बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए बासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नजर रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेना जो मालेना के प्रति आशक्त तो हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामों कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता पिता उसे उसके शयन कक्ष में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाव तोड़ने की कोशिश करते हैं मालिना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती है जिसे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर बढ़ा देती है जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक सामयिक दोष से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालैना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके बड़े होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ बलात्कार किया रेनाटो ने मालिना का रक्षक बने का फैसला किया उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे-छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध सिसिली तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्र द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वेशवित्री में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की वजह एक वेश्या के रूप में देखकर खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाचो का सामना दो चर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श से हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे झारफुक के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेशलय में ले गए वह वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली वेश्या मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साहपूर्ण पूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलाओं ने होटल पर दावा बोल दिया और मलेना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई की और उसके बाल काट दिए आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुतापूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्धबंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसीना शहर चली गई एक साल बाद नीना और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो बाजार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे भाग्य की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज जिस जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दें कि ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं मालेना फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में 10 जून 1940 को सिसिली के छोटे से शहर कूटो में रेनेटो तो नामक एक किशोर लड़की को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति सशस्त्र बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए बासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नज़र रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेना चो के प्रति आशक्त तो हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामुक कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता-पिता उसे उसके शयन कक्ष में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाव तोड़ने की कोशिश करते हैं मालिनीना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती है जिसे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर बढ़ा देती है जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक सामयिक दोष से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालेना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके बड़े होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ बलात्कार किया ने मालिना का का रक्षक बने फैसला किया। उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध सिसिली तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्र द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वेशावित्री में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की वजह एक वेश्या के रूप में देखकर खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाचो का सामना दो चर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श से हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे झारफुक के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेशलय में ले गए वह वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली वेश मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साह पूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलाओं ने होटल पर धावा बोल दिया और मलेना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई की और उसके बाल काट दिए आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुतापूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्धबंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसिना शहर चली गई एक साल बाद नीना और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो बाजार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे वाग्य की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज जिस जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दे कि ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं मालेना फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में 10 जून 1940 को सिसिली के छोटे से शहर कास्टिलकूटो में रेनेटो तो नामक एक किशोर लड़की को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति सशस्त्र बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए बासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नजर रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेनाचो मालेना के प्रति आशक्त तो हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामुक कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता-पिता उसे उसके शयन कक्ष में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाव तोड़ने की कोशिश करते हैं मालिनीना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती है जिसे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर बढ़ा देती है जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक सामयिक दोष से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालेना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके बड़ी होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ बलात्कार किया रेनाचो ने मालिना का रक्षक बने का फैसला किया उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध सिसिली तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्रों द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वैश्वात्री में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की वजह एक वेश्या के रूप में देख कर खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाचो का सामना दो जर्मन सैनिकों के साथ अपने आदर्श से हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे झारफूक के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेशलय में ले गए वह वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली वेशा मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साहपूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलाओं ने होटल पर धावा बोल दिया और मलेना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई किया और उसके बाल काट दिए आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुतापूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्ध बंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसिना शहर चली गई एक साल बाद नीनो और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो बाजार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे वागे की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दें कि ये फिल्म ओ टी प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं फिल्म छोटे से शहर कास्टेलकूटो में रेनेटो तो नामक एक किशोर लड़की को तीन प्रमुख घटनाओं का अनुभव हुआ इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है उसे एक नई बाइक मिलती है और वो सबसे पहले सुंदर और कामुक मलेना को देखता है जो शहर की सबसे वांछित युवा महिला है उनके पति सशस्त्र बलों में अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और वो अकेली रहती है अपनी सुंदरता और अकेली स्थिति के कारण वो शहर के सभी पुरुषों के लिए बासना और महिलाओं के लिए नफरत की वस्तु है वो अकेले रहने वाले अपने बीमार बूढ़े पिता पर नजर रखती है जब तक कि उसे उसकी बदनामी करने वाला एक गुमनाम नोट नहीं मिल जाता जिसके कारण वो उसे अस्वीकार कर देता है रेना चो मालेना के प्रति आशक्त तो हो जाता है उसके घर में उसकी जासूसी करता है और जब वो उसे छोड़ती है तो उसका पीछा करता है अपने कामों कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उसने उसके कपड़ों की लाइन से उसके कुछ अंडरवेयर चुरा लिए जब उसके माता पिता उसे उसके शयन कक्ष में पाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसका लगाव तोड़ने की कोशिश करते हैं। मालिना को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है जिससे उसके अलगाव का दुख और बड़ा हो गया है उसके चारों ओर अफवाहें फैलती हैं, जिसे वो अनजाने में एक अविवाहित वायुसेना अधिकारी को अंधेरे के बाद अपने पास आने की अनुमति देकर बढ़ा देती है जब उसकी निंदा की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है तो अधिकारी गवाही देता है कि वो एक, एक से ज्यादा कुछ नहीं था विश्वासघात दुख देता है लेकिन मालैना उसकी निंदा करने के लिए कुछ नहीं कहती है उसके बड़ी होने के बाद उसका वकील उससे मिलने आया और उसके साथ बलात्कार किया रेनाटो ने मालिना का रक्षक बने का फैसला किया उसने भगवान और उसके संतों से उस पर नजर रखने और अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के छोटे छोटे कार्य करने के लिए कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके बारे में उसके विचार शहर के लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है और उसे ये भी नहीं पता कि मालिना खुद कैसा महसूस करती है इस बीच युद्ध सिसिली तक पहुंच जाता है और शहर पर मित्र राष्ट्रों द्वारा बमबारी की जाती है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है अब दरिद्र और सर्वत्र तिरस्कृत कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं है वो वेश्यावृत्ति में डूब गई शहरवासी उसे एक खतरनाक विधवा की बजाय एक वेश्या के रूप में देखकर खुश है जब नाजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और रेनाटो का सामना दो चेयरमैन सैनिकों के साथ अपने आदर्श हुआ तो वो बेहोश हो गया उसकी मां ने फैसला किया कि ये राक्षसी कब्जा है वो उसे झाड़ के लिए एक पुजारी के पास ले गई लेकिन उसके पिता उसे शहर के वेश्यालय में ले गए वह वो कल्पना करता है कि उसे दीक्षा देने वाली वेश्या मलेना है जर्मन चले गए और अमरीकी सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया उत्साहपूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया महिलायों ने होटल पर धावा बोल दिया और मलेना को बाहर खींच लिया उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई की और उसके बाल काट दिया आगे की उत्पीड़न से बचने के लिए वो शत्रुतापूर्ण शहर छोड़ देता है कुछ दिन बाद उसका पति नीनो जो युद्ध बंदी के रूप में बच गया लेकिन एक हाथ खो गया उसकी तलाश में वापस आता है उनके घर पर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनकी पत्नी को कैसे खोजा जाए रेनाटो ने उसे एक गुमनाम नोट छोड़ते हुए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वो मेसीना शहर चली गई एक साल बाद नीनो और मलेना वापस लौटते हैं और शहर में घूमते हुए दिखाई देते हैं महिलाओं ने देखा कि वो अब अधिक गोरी और सादी दिखती है भले ही वो अभी भी खूबसूरत है क्योंकि वो अब शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है उन्हें एहसास होता है कि अब उससे कोई खतरा नहीं है इसलिए लोग उसके बारे में अधिक सम्मान के साथ बात करने लगते हैं जब वो वज़ार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं गुड मॉर्निंग कहती है और मैडम कहती है घर चलते समय उसके बैग से कुछ फल गिर जाता है और रेनाटो उसे लेने के लिए दौड़ता है वो उसके अच्छे वाग्य की कामना करता है और वो उसे एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान देता है ये एकमात्र मौका है जब उसने कभी दूसरे से बात की है या खुले तौर पर दूसरे की ओर देखा है वृद्ध रेनाटो तो दर्शाता है कि वो कई महिलाओं को जानता है और उनसे प्यार करता है और उन सभी को भूल गया है एकमात्र चीज जिस जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है वो है मलेना बता दें कि ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं